मैरिन ड्राइव आ गए फाइनली। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे अमिताभ बच्चन का घर, शाहरुख का घर और सलमान खान का घर देखने। ये है मैरिन ड्राइव जहाँ पे लोग फोटो खिंचवाते हैं। क्या मस्त लग रहा है यार ये भी यार। अरे हे, यही देखा करते हैं पिक्चरों में, यही होता है यार। अब पीछे कैसे जाएगा मम्मी आप बताओ, ऊपर डर डर लग जाएगा रहने। हमारी कैब का टैक्सी का हिसाब किताब खत्म हो गया। हमने ली थी सुबह अराउंड 12 घंटे के लिए और यहाँ पे 3,500 से 4,000 रुपये टैक्सी की है और उसके बाद 80 किलोमीटर पर 20 रुपये पर किलोमीटर से ज़्यादा हमारे 80 रुपये ऊपर हो गया और हमारा होटल अभी 40 किलोमीटर है। तो आज का चार्ज बहुत ज़्यादा लगेगा टैक्सी का। कल भी ऐसी हुआ था जब हमने मुंबई एयरपोर्ट से लैंड करवाए थे, लैंड हुए थे मुंबई तो टैक्सी लगी तब तो खैर कल हमारे 17 किलोमीटर एक्स्ट्रा रहते और आज कम से कम 40-45 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा भाई। मुंबई में टैक्सी बहुत महंगी है। होटल ताज है मैरिन ड्राइव के सामने जस्ट ऑपोजिट, होटल भी ओवर आए हैं। इतने सारे ताज होटल हैं मेरे ख्याल से, तो दो ही हैं इस ताज में। ये एक ताज है मैरिन ड्राइव के जस्ट ऑपोजिट और एक ताज वो ताज गेट पे फिटर इज ऑपोजिट। उंगलियाँ मैरिन ड्राइव भी फोटो की यहाँ पे। अब चलते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन का घर देखने, जुहू बीच जाने जाने शाहरुख खान का घर। भीड़ और सामने बांद्रा बीच, ये रहा शाहरुख खान का घर, मन्नत। ये शाहरुख खान को देखने के लिए खड़े हैं सारे के सारे। वो देखो कैसे खड़े हुए हैं फोटो खिंचाने के लिए।
तैयार हो रही है, शाहरुख खान जैसे इसको बुलाएगा। वो देखो ऐसे पागल हो जाते हैं यार ये लोग यार यहाँ पे। यार घर प्यारा बना हुआ है, नो डाउट। घर देख के फील आ गई, ऐसा घर चाहिए लाइफ में, ऐसे इंस्पिरेशन दो लाइफ में, ऐसा घर बनाओ। चलो चलते हैं, चाय पी के आते हैं आगे जाके। बीच पे एंजॉय करेंगे थोड़ा, यहाँ पे बांद्रा की बीच पे एंजॉय, और उसके बाद फिर जाएंगे चाय पीने, पीते हैं यहीं पे चाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे सलमान खान के घर से होते हुए अमिताभ बच्चन के घर जुहू, जुहू बीच में जाएंगे, फिर उसके बाद अंधेरी वापस अपने घर होटल बनता। और घर कितने प्यारे बने हुए हैं यार, ये वाला घर भी देखो कितना प्यारा बना हुआ है, वो देखो यार वो भी कितना सुपर बना हुआ घर। अरे भाई मज़ा आ गया घर देख देख, वो देखो कितना कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसा घर चाहिए लाइफ में यार। मेंशन चाहिए, मॉल चाहिए, मॉल होना चाहिए घर तो पूरा। वो वाला घर देखो भी कितना प्यारा लग रहा है, ये बस स्टैंड है। अच्छा लग रहा है ना घर, चाय शाहरुख खान के घर के बाहर चाय भी नहीं पड़ी, चाय और वो पीछे शाहरुख खान घर, शाहरुख खान के घर के बाहर हमें चाय पीने आना पड़ रहा है, उसने घर पर बुलाया नहीं, मना कर दिया घर पर आने के लिए, हम बाहर रोड पे जाएंगे। हमने तो लंच किया था हमें मम्मी क्या करिए, शाहरुख खान के घर के बाहर लंच करके आए हैं, ये पीछे रह गया, यही रह गया ना वो लंच करने के लिए, हमें रेस्टोरेंट में खाना खा के तो आए, लोग ऐसे देखने आ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है, वो दिन में कोई ढंग की जगह चाय नहीं मिली, दो दिन बाद यहाँ पे हम पी रहे हैं, बांद्रा में है शाहरुख खान घर के पास, पूरा मन्नत और इधर जन्नत तन्नत पन्नत कन्नत तन्नत जो भी होंगी उनके सामने है, यहाँ पे चाय की स्टॉल है यार, बहुत टेस्टी चाय है इसकी, मज़ा आ गया, कुल्हड़ में डाल के दिया, इतनी जबरदस्त चाय बनाई है, मज़ा आ गया, अभी एक और पीनी पड़ेगी, यही भाई है इनसे चाय अपनी टैक्सी। चलो चलते हैं अब यहाँ से जू कह रहा हूँ, गरी बांद्रा से चाय पी ली यहाँ से हमने, घर भी देख लिया, हम आए थे 5:35 पे, 10 मिनट में सब कुछ हो गया, ऐसे ही चलना चाहिए, इंजॉय भी हो रहा है, घूमना फिरना भी हो रहा है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। खड़े हुए यहाँ पे ये आ गया सलमान खान, फर्स्ट फ्लोर का ही है, है? ये ना फर्स्ट फ्लोर, हाँ यही है। अच्छा अरे बस आ गए यार, दो तीन फर्स्ट फ्लोर, हाँ अच्छा ये फर्स्ट फ्लोर सलमान खान का है, सलमान खान का नहीं, ये तो फ्लैट में रहता है ना। अच्छा फ्लैट में रहता है ये बस, सारे मैं सुना तो बहुत बहुत पैसे वाले सलमान खान, अभी शायद ऊपर एक फ्लैट लिया है वो। अच्छा ऐसे बड़ा घर नहीं है शाहरुख खान का, बंगला टाइप नहीं, सिंपल फ्लैट है, वही वाला फर्स्ट फ्लोर गैलेक्सी, उसके घर के बाहर तो इसकी वो कहाँ खड़ी है सिक्योरिटी, यही है बिल्डिंग का, हाँ ये सब हम सिक्योरिटी वाले हैं ना, तो शाहरुख खान की सलमान खान की सिक्योरिटी, हाँ ये सब सिक्योरिटी वाले हैं। अच्छा देखा सलमान खान दिख गया, अभी आएगा बाहर, तो एक फ्लैट के लिए एक तरह से वो पूरे उसकी बिल्डिंग की हो रही है सुरक्षा, सही है भाई, पैसा तो बड़ी बड़ी बात है। तो हम जाएंगे वापस, अब हम कैंसिल हो गए प्लान के,
कुछ नहीं इनका घर घर देखने का मन बोर हो गया, वापस जा रहे हैं अपने होटल गोल्डन क्लिप। अंधेरी यहाँ से है पौने दो घंटे का रास्ता 35 किलोमीटर, और अभी टाइम बज रहे हैं 6, तो 7:30 बजे तक पहुँच जाएंगे अपने होटल वापस। सुहाना मौसम हो गया 6:30 बजे, अभी भी यहाँ से 1.5 घंटा और लगेगा। हाँ। याद आ गया ना। सारे यहाँ पे 5-4, 7-4 होटल हैं। हयात स्केचर्स, कितनी बड़ी बिल्डिंग। आगे अपने ललित राइट साइड पे एयरपोर्ट, क्या राइट साइड पे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट ही है राइट साइड पे एयरपोर्ट है। JW मैरियट, सारे 5-7 स्टार होटल हैं यहाँ पे एयरपोर्ट की वजह से। ये अपना ऐसा लग रहा था टर्मिनल 3 जाते ना, जब यहीं से निकले थे हम, सुबह भी यहीं से निकले हम। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कितना मस्त बनाया हुआ यार पिछली बार भी मैं टीपू से, बड़ा अपना टर्मिनल 3 दिल्ली वाला ज्यादा बढ़िया है। लेफ्ट में वही वापस वही हमने जाने, राइट जाएंगे ना, लेफ्ट तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे बांद्रा से, बस बट ऊपर की जगह जाना हमें पवई। एक पवई जगह बहुत बढ़िया है यहाँ पे, फिर से बारिश स्टार्ट होगी अभी। ये देखो अभी 6:30 पे वीडियो बना रहा था, 6:35 हो रहे हैं, देखो बारिश स्टार्ट होगी अभी, मिनटों में पता लगता है अभी बारिश का यार। अपना होटल आ गया फाइनली, जोस्टल बोल यार ये सस्ता है, अच्छा रेस्टोरेंट है तो रुकने की जगह ये, एटलीस्ट हमारे गोल्डन टूरिस्ट से तो बहुत ही अच्छा है ये। जितना बड़ा रेस्टोरेंट कह रहा हूँ, जितना बड़ा होटल है ना ये, उतना बकवास होटल है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया ना, ब्रेकफास्ट अच्छा ना कुछ अच्छा है। यहाँ पे स्टे देख लेना, करना हो तो कर लेना, जबकि 5,000 रुपये का एक रूम है यहाँ पे, एक नाइट का यहाँ पे जो रेंट दे रहे हैं हम, हाँ दे रहे हैं 5,200 समथिंग कुछ, 5,200 रुपये एक नाइट का, और दो हमने दो रूम लिए हैं जिसका कॉम्बो हमारे को उन्होंने टोटल ओवरऑल यही ऐसे आई गेस दो नाइट्स का पैकेज दिया 21,000 रुपये में, और उस हिसाब से कुछ अमेनिटीज़ कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, बस ये है कि बाथ टब वगैरह है, रूम अच्छा बना है, और वैसे यार ब्रेकफास्ट बिल्कुल बकवास है। पहुँच गए हम होटल अपने, तेज बारिश हो रही है, ये है मुंबई का होटल, इतना मज़ेदार।